यकीनन ईद फितर है, ये ईद का दिन है। अहले बैत अत्तहार अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ईद मनाया है। 47 हिजरी में हमारे मौला की शहादत हुई है। 210 साल तक हमारे बाकी 11 इमामों का दौर रहा है, किसी एक इमाम ने भी ईद के दिन कोई गम नहीं मनाया है। 210 साल में 210 ईद तो आई होगी या नहीं, कोई इमाम ने कोई ईद नहीं मनाया है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दुश्मन कामयाब है और शियत को नाबूद करने के लिए जो आलमी पैमाने पर, वो जाहिर है कि हमारी जान को नहीं मिटा सकते, हमें नहीं मिटा सकते, लेकिन वो हमारे वजूद को आलमी इस्लाम से हटाने के लिए उन्होंने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सी जगहों पर पड़ोसी ममालिक में बाकायदा अमली तौर पर ये चीज़ सामने आई है कि हमारे जवानों को गुमराह किया जा रहा है कि ईद के दिन शब ईद हम मातम करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, ये दुश्मन की साजिश है। प्यारे नौजवानों, ये तुम्हें बहकाया जा रहा है। दुश्मन ये आज पूरी दुनिया में दिखाना चाह रहा है कि शिया मुसलमान नहीं है, शियों के सबसे, वो मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद ईद फितर है, और ये शिया जिनको अपने को मुसलमान कहते हैं, ये ईद के दिन ईद नहीं मनाते, काले कपड़े पहनते हैं, मातम करते हैं, मस्जिदों के बजाय इमामबाड़ों में रहते हैं। यह हमारे पड़ोसी मुल्क में हुआ है, तब कह रहा हूँ कि दुश्मन साजिश में कामयाब हो के उन्होंने शियों को दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया है। एक चीज़ जो पूरी दुनिया में मुसलमान पहचाने जाते हैं कि जब मिलते हैं तो सलामुन अलैकुम कहते हैं, दुश्मन ने शियों के जवानों को विलायत की मीठी मीठी गोली दे के इस विलायत से हमें इतना ज़्यादा गलत रास्ते पर लगा दिया है कि जब हम सलाम कहते हैं तो वह जवाब में या अली कहते हैं। तो ये जो दुश्मन है, जो शियों के दुश्मन है, वो ये कहते हैं कि देखो ये मुसलमान नहीं है, ये सलाम नहीं करते, ये तो या अली कहते हैं। तवज्जो करें, ख़ास करके बुज़ुर्ग अपने बच्चों को बताएं, ये जो कल आज शब में या कल मातम का अहतमाम किया गया है, ये किसी इमाम ने नहीं किया है, कोई रिवायत नहीं है। उर्दू किताबों का हवाला दे के गुफ्तगू करना ये गलत है। हमारे पास अइमे मासूमीन की रवायतें मौजूद है, मोतबर किताबें मौजूद है, वसाइल शिया में क्या रिवायत है कोई? तवज्जो करें, शियत को नाबूद होने मिटने से हम शिया बाकी रह जाएंगे, लेकिन हमारे शियत की तालीम बाकी नहीं रहे तो क्या फ़ायदा? क्या इंसानों की बका से कोई फ़ायदा होगा? जब तक कि हम अपने दीन और मज़हब और एतिकाद पे बाकी ना रहें, तालीमात नबी और आले नबी और रसूल आले रसूल के ऊपर बाकी ना रहें, इमामों की हदीसों पे बाकी ना रहें, गौर करें, बहुत ज़्यादा गौर करें कि हमें गाफिल नहीं होना चाहिए, दुश्मन का आलाकार नहीं बनना चाहिए। खुदा के लिए भाई, कोई गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर डांट नहीं कर रहा हूँ, भाई जो एक वाकईत है, जो एक हकीकत है, जो आलम में पूरी दुनिया में शियों के ख़िलाफ़ साजिश रची जा रही है, उस साजिश से आपको बाखबर कर रहा हूँ कि इस साजिश का हिस्सा न बने। कोई 10वां इमाम अली का नहीं मनाया गया है, 210 साल इमामत रही है, कोई नहीं है। रहा सवाल ये कि मैंने आगा सिस्तानी से पूछा, मैंने आगा खामेनेई से पूछा, तो उनसे जब पूछेंगे क्या ईद के दिन नमाज़ पढ़ने के बाद मातम करना जायज़ है, तो वो ये कहेंगे बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर उनसे जाके पूछिए मुहर्रम में शादी कर सकते हैं, तो वो ये कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अकीदत से वाबस्ता होती हैं, कुछ चीज़ें शरीयत से वाबस्ता होती हैं। जैसे मुहर्रम में शादी करना जायज़ है, लेकिन हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत इजाज़त नहीं देती कि हम अपनी खुशी को ले आए। उसी तरीके से ये मुसलमानों के लिए, अहले बैत के लिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए शरफ़ व करामत का दिन है। क्यों हम अपने आप को ला रहे हैं? खुदा के लिए जवानों को बताइए कि दीन हकीकी क्या है, विलायत हकीकी क्या है। वो विलायत जो हमारे लिए सिपर बनेगी, जो पुल सिरात से गुजार कर जन्नत में ले जाएगी, वो ये विलायत नहीं है जो दुश्मनों की तरफ से लाई जा रही है। उस विलायत में बेअमली नहीं है, उस विलायत में किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, उस विलायत में बेनमाजी नहीं है, उस विलायत में कोई किसी को तकलीफ़ देना नहीं है। वो विलायत अमल की विलायत है, वो विलायत है कि जिसमें खुद मौला अली, जिसने नमाज में सजदे में ज़रबत खाई है,
वो विलायत नहीं है कि नमाजियों को मस्जिद से दूर कर दो। खुदा के लिए अपने बच्चों को, जवानों को बचाएं। बहरहाल मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप हज़रात साहिब अक़ल हैं और जहाँ जहाँ मेरी बात सुनी जा रही है संजीदगी से इस पर गौर करके आगे बढ़ाएँ, इसको फितना और फसाद न बनाएँ।